क्वेश्चन फिल इन द ब्लैंक्स है, इसका ए पार्ट देखिए, द टू स्केयर रूट ऑफ 49 आर, 49 के दो स्केयर रूट बताने हैं, 7 जो 49 होता है, एक तो हो गया हमारा 7 और एक होगा -7, -7 को -7 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 49 ही आता है। ओके, द स्केयर ऑफ 300 विल हैव जीरोस, कितनी जीरो होंगी 300 के स्केयर में, देखो इसमें दो जीरो हैं, तो इस नंबर के स्केयर में पीछे चार जीरो होंगी। ओके, तो यहाँ पे हम लिख देंगे 4 जीरोस। सी पार्ट देखिए, द लिस्ट नंबर बाय वेट 72 शुड बी मल्टीप्लाई टू मेक अ परफेक्ट स्केयर नंबर, 72 में क्या मल्टीप्लाई किया जाए कि एक परफेक्ट स्केयर नंबर बन जाए, तो आप क्या करोगे, 72 को फैक्टराइज करोगे, सबसे पहले ये 2 की टेबल से जाता है, 36 6 का स्केयर होता है, ठीक है, जो 6 तो हमारा पेयर में है, पेयर में क्या नहीं है, 2 हमारा पेयर में नहीं है, तो अगर इस नंबर को परफेक्ट स्केयर बनाना है तो हमें इसको 2 से मल्टीप्लाई करना होगा, यहाँ पे हमारा 2 आएगा। डी वाला पार्ट करते हैं, यहाँ हमें क्यूब रूट निकालना है, देखो ये 3 वाला साइन बना हुआ है ना, इसका मतलब क्यूब रूट निकालना है, तो इस नंबर को हम फैक्टराइज करेंगे, ये सबसे पहले 7 पे जाएगा, 49 पे जाएगा, वापस से ये 7 पे जाएगा, क्यूब रूट निकालने के लिए हमें 3 का पेयर बनाना होता है, तो यहाँ पे हमारे पास क्या क्यूब रूट आएगा, 7 सिर्फ, यहाँ पे हम 7 लिख देते हैं। ओके, ई वाला पार्ट देखिए, द लिस्ट नंबर बाय विच 72 शुड बी डिवाइड टू मेक इट अ परफेक्ट क्यूब, हमें इस नंबर को परफेक्ट क्यूब नंबर बनाना है, तो हमें बताना है इसको किससे डिवाइड करना है, 72 को प्राइम फैक्टराइज कर लेते हैं, ये 2 की टेबल से जाएगा 36 पे, अगेन 2 की टेबल से जाएगा 18 पे, अगेन ये 2 की टेबल से जाएगा 9 पे, अभी ये 3 की टेबल से जाएगा और वापस 3 की टेबल से जाएगा। देखो क्यूब के लिए हमें 3 का पेयर चाहिए होता है, 2 तो हमारे 3 के पेयर में है, जो नंबर 3 के पेयर में नहीं है उससे हम डिवाइड कर देते हैं, 3 3 9 आएगा ना, तो हम इसको 9 से डिवाइड करेंगे तो ये एक परफेक्ट क्यूब नंबर बन जाएगा, तो यहाँ पे हमारा 9 आएगा। सेकेंड वाले क्वेश्चन में हमें ट्रू फॉल्स बताना है, क्यूब ऑफ 0.2, 0.2 को मल्टीप्लाई करना है 0.2 से, अगेन 0.2 से, तो हम डेसिमल भूल जाते हैं थोड़ी देर के लिए, हम 2 को 2 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 4, 4 को 2 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 8, और अब हम पीछे से डेसिमल काउंट करते हैं, एक प्लेस इसका, एक इसका, एक इसका, पीछे से 3 प्लेस पे डेसिमल लाना है, 8 तो 1 नंबर हुआ, आगे के लिए 2 जीरो लगा दी जाती है और फिर डेसिमल लगाया जाता है, और देखो सेम है इसलिए यहाँ पे ट्रू आएगा। सेकेंड वाला पार्ट देखिए, द क्यूब रूट ऑफ 27 इज 9, जो है 27 का क्यूब रूट 9 है, देखो 9 को मल्टीप्लाई करेंगे 9 से 3 टाइम तो 729 आएगा, 9 तो इसका क्यूब रूट है, तो यहाँ पे हमारा फॉल्स आएगा। सी वाला पार्ट देखिए, द स्केयर ऑफ अ नेचुरल नंबर एन इज इक्वल टू द सम ऑफ फर्स्ट एन ओड नेचुरल नंबर, ये वाला हमने पढ़ा भी था, ये हमारा ट्रू होता है, इससे हमने बहुत सारे क्वेश्चन भी किए थे, लाइक फर्स्ट 3 ओड नंबर लाइक 1, 3 और 5 लें, इनका सम, क्योंकि देखिए ये फर्स्ट 3 नंबर है तो 3 का स्केयर के बराबर होगा, इनको ऐड करोगे तो देखो 9 ही आएगा, इसलिए हमारा ट्रू है। डी वाला पार्ट देखो, द स्केयर ऑफ अ नंबर इज ऑलवेज पॉजिटिव सो द क्यूब ऑफ दैट नंबर विल बी पॉजिटिव, अगर एक नंबर का स्केयर हमेशा पॉजिटिव होता है तो क्या क्यूब भी उस नंबर का हमेशा पॉजिटिव होगा, ये हमारा फॉल्स है। देखो क्यों फॉल्स है, अगर देखो अगर नंबर नेगेटिव है लाइक -3 है और इसका हमें स्केयर निकालना है तो इसका स्केयर तो पॉजिटिव ही आएगा, बट जब क्यूब की बात होती है तो क्यूब तो -27 आता है।
आई थिंक आप लोगों को क्लियर होगा। ई पार्ट देखिए, देयर इज नो स्केयर रूट ऑफ अ नेगेटिव नंबर, एक नेगेटिव नंबर का कोई स्केयर रूट नहीं होता। सिमिलरली देयर इज नो क्यूब रूट ऑफ अ नेगेटिव नंबर, इसी तरह से एक नेगेटिव नंबर का क्यूब रूट भी नहीं होता। लाइक कोई नंबर है अंडर रूट के अंदर नेगेटिव 4 दिया हुआ है, तो इस नंबर का कोई भी स्केयर रूट नहीं होता। ओके, बट क्यूब रूट होता है। लाइक अगर अंदर दिया हो नेगेटिव 27 और इसका क्यूब रूट हमें निकालना है, तो इसका क्यूब रूट नेगेटिव 3 आ जाएगा। ओके, स्केयर रूट तो नहीं होता बट क्यूब रूट होता है, इसलिए यहाँ पे हमारा फॉल्स आएगा। क्वेश्चन 3 करते हैं, यूजिंग प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड फाइंड द स्केयर रूट ऑफ 7744। इसका हमें स्केयर रूट निकाला है और मेथड भी हमें बताया गया है, प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड ही यूज करना है। तो हम इस नंबर को करते हैं प्राइम फैक्टराइज। सबसे पहले ये 2 से जाएगा, 2 से डिवाइड करेंगे तो 3872 आएगा। अगेन ये 2 से जाएगा, 1936 आएगा। अगेन ये 2 से जाएगा, 968 आएगा। अगेन ये 2 से जाएगा, 484 आएगा। ये अगेन 2 से जाएगा, 242 आएगा। वापस से ये 2 से जाएगा, 121 आएगा। ये आप देखोगे अब ये 11 से जाएगा, 11 पे ये 11 जा पे ही आता है। ओके, मैंने इसको साइड में कर दिया। ठीक है, हमें निकालना है 7744 का स्केयर रूट। ये इक्वल होगा, जो भी हमने प्राइम फैक्टराइज किया है ना वो सारा लिखेंगे हम, 1 2 3 4 5 6 टाइम 2 है, अंडर रूट में लिखेंगे 6 टाइम 2 और 2 टाइम 11 है। अब हम बनाते हैं पेयर, दो दो नंबर का पेयर बनता है, एक ये बन गया, एक ये और एक ये और एक 11 का। हर पेयर में से एक नंबर आता है, लाइक इस वाले पेयर में से एक 2 आएगा, ठीक है, फिर इस वाले पेयर में से एक और 2 आएगा और इस वाले पेयर में से एक और 2 आएगा और इसमें से एक 11 आएगा। इनको मल्टीप्लाई करते हैं तो 88 हमारे पास आंसर आ जाता है। क्वेश्चन 4 देखिए, यूजिंग प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड फाइंड द क्यूब रूट ऑफ 2744। हमें प्राइम फैक्टराइजेशन यूज करके इस नंबर का क्यूब रूट निकाल के देना है। तो हम सबसे पहले इसको 2 से डिवाइड करेंगे, ये जाएगा 1372 पे। वापस से इसको 2 से डिवाइड करेंगे, 686 पे जाएगा। वापस से इसको 2 से डिवाइड करेंगे, 343 पे जाएगा। अभी ये 7 के टेबल से जाएगा 49 पे, अगेन ये 7 के टेबल से जाएगा और अगेन ये 7 के टेबल से जाएगा। ठीक है, नंबर क्या है, 2744, इसका क्यूब रूट बताना है, इसलिए यहाँ पे 3 लगाया मैंने। ओके, सभी फैक्टर लिख लेते हैं हम, पहले क्यूब रूट का साइन बना देते हैं। 3 टाइम 2 है और 3 टाइम ही 7 है। जब हम क्यूब रूट निकालते हैं तो 3 का एक पेयर बनता है। ओके, इसलिए इस एक 3 के एक पेयर में से तो एक 2 आएगा और 7 के एक पेयर में से क्या आएगा, एक 7। इन दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं, 14 इस नंबर का क्यूब रूट है। 5 करते हैं, फाइंड द स्केयर रूट ऑफ 3969 बाई डिविजन मेथड, देन यूज इट टू फाइंड द वैल्यू ऑफ। हमें इसका स्केयर रूट निकाला है और फिर जो स्केयर रूट आए इनमें उसकी वैल्यू यूज करनी है। ओके, डिविजनल मेथड से हम स्केयर रूट निकाल लेते हैं 3969 का। पीछे से दो नंबरों का पेयर बनाया जाता है, ये 6 के टेबल से जाएगा, 6 6 36, ऊपर भी 6 लिखा जाएगा, माइनस करते हैं तो 3 बचता है और ऊपर से ग्रुप में क्या आता है, 69। यहाँ 6 का डबल होगा तो यह आएगा 12,
ठीक है, अभी इसको 3 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 369 आता है, यहाँ भी 3 लिखा जाता है। ओके, अभी हमें ये निकालना है। ठीक है, देखो ये हमें पता है 63 को मल्टीप्लाई करें 63 से तो 3963 आता है, बट इस नंबर में पीछे से दो नंबर पे डेसिमल है तो इसलिए यहाँ 3 से पहले डेसिमल आएगा। ओके, यहाँ प्लस का साइन लगाएंगे, इसको भी हम ऐसे ही लिखेंगे, 63 को मल्टीप्लाई करेंगे 63 से, यहाँ पीछे से चार नंबर पे डेसिमल है तो यहाँ 6 से पहले डेसिमल आएगा। ओके, अंडर रूट का साइन हटाएंगे तो यहाँ पे आएगा 6.3 और तो यहाँ पे क्या आएगा, प्लस का साइन लगा के 0.63 और इनको ऐड करते हैं तो 6.93 हमारा आंसर आ जाता है। इस वाली वीडियो में मैं आपको यहीं तक करवाऊंगी। अगर मेरी वीडियो आपको अच्छी लगी है तो ज्यादा से ज्यादा लाइक करना, दोस्तों के साथ शेयर करना। आई विल अपलोड योर नेक्स्ट वीडियो सून, टिल देन बाय बाय, टेक केयर, स्टे कनेक्टेड।